Yesterday we discussed the water of crystallization. What is the definition of the water of crystallization? I told the water molecules, okay, the number of the water molecule, that is a part of the structure of a crystal. Okay, the water molecules, क्या लिखवाया था मैंने, इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल. पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल दैट इज कॉल्ड द वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है. एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कॉपर सल्फेट, फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर. इट्स नेम इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है. ब्लू विट्रोइल, इट इज ब्लूइश इन कलर, राइट. इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ब्लू इन कलर. And its another name is blue vitriol. Right? When we will heat it, ये blue color हो गया. पहले आप ये colors देख लो. After that we will discuss the effect of the heating. Second is FeSO4 dot 7 molecules of water. That is iron sulfate या ferrous sulfate heptahydrate. ठीक है? Green vitriol. This is called ग्रीन विट्रोइल, ग्रीन इन कलर. बहुत लाइटिश कलर होता है ये, ग्रीन कलर का होता है. हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है जी, ठीक है. ये दो आपके पास है मेन, जिनके कलर्स आपकी बुक में गिवन है. कॉपर सल्फेट दैट इज द फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड ब्लू विट्रोइल एंड ब्लू इन कलर. एंड फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट दैट इज द ग्रीन विट्रोइल और ग्रीन इन कलर. इसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और किस में देखते हो हम, Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है. कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज जिप्सम. कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज POP. दीज ऑल आर द व्हाइट इन कलर, white, ठीक है. सो दीज आर द वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 है ना तो हेप्टा बोल देते हैं. इज इट क्लियर? अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मतलब हीटिंग ऑन दीज थिंग्स. हम क्या करते हैं, व्हेन वी विल टेक इन अ टेस्ट ट्यूब, वी विल टेक अ ब्लू विट्रोइल और द ग्रीन विट्रोइल. इफ वी आर टेकिंग इन अ टेस्ट ट्यूब, इट इज ऑफ द ब्लूइश इन कलर, ठीक है. यहाँ पे कॉपर सल्फेट आपने लिया पाउडर फॉर्म में, इट इज द ब्लूइश इन कलर, ये ब्लू कलर का होगा. व्हेन यू विल हीट इट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस. We will use the word anhydrous. Anhydrous means जिसमें पानी नहीं है, anti, anhydrous. This is called hydrated salt and that is the anhydrous. ठीक है, this is the reversible process. When we will heat it, it is converted और ये हमारे पास white color का हो जाएगा, ठीक है. When we will again add water drop, then again the blue color will appear. मतलब effect of heating क्या है कि when you are heating it, ठीक है, the color will be change from blue to white, and by again when we are adding the water in it, again it will regain its color and the shape. Reversible है, ठीक है. We will do it in the lab, ठीक है. आप खुद देखोगे, देखो, let it be एक दो दिन में. Okay, ठीक है. This is the last topic from this chapter, acid base and salt. ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड एनहाइड्रस जिसमें पानी नहीं है. तो क्वेश्चंस कैन बी कम इन दिस फॉर्म,
कि एनहाइड्रस इज प्रेजेंट, द कलर इज दिस, ठीक है, बट वी हैव टू ऐड टू मेक इट अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, या हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स वी विल ऐड टू बिकम अ हाइड्रेटेड सॉल्ट. तो आपको इनके सॉल्ट्स के वाटर मॉलिक्यूल्स यू नो कि अगर कॉपर सल्फेट है तो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन है या फेरस सल्फेट बट वी से तो दैट इज द हेप्टा 7 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 आर प्रेजेंट इन द सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, 2 इन द जिप्सम एंड हाफ इन द पीओपी. मोस्ट प्रोबेबली द सॉल्ट्स दैट इज गिवन इन योर बुक दैट विल कम, ठीक है, उसके अलावा नहीं, ठीक है, इज इट क्लियर? सीओ नहीं है, सी ए. हाँ, पेपर में गलती करते हो आप लोग. आप लोग क्या करते हो, सी ए की जगह सी यू लिख देते हैं. ध्यान रखना, जिप्सम नहीं, जिप्सम ओके. वो हार्ड हो जाएगा ना, उसमें तो है ही वाटर मॉलिक्यूल्स है. ये तो हम हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेस सॉल्ट की बात कर रहे हैं. आई एम टेलिंग यू कि द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इंपार्ट द कलर्स एंड द शेप टू द क्रिस्टल, ठीक है, माइट बी द कलर्स एज वेल एज द शेप टू द क्रिस्टल. अब पीओपी और जिप्सम का तो ऑलरेडी वी डिस्कस कि व्हेन वी आर एडिंग द 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इट बिकम द जिप्सम हार्ड मास, एंड इफ वी आर रिमूविंग इट देन द इट विल फॉर्म द पीओपी. तो उसमें कलर चेंजेस का नहीं है. FeSO4 ग्रीन से वाइट हो जाएगा, अगेन वाइट से ग्रीन हो जाएगा, Na2 वाइट होता है, हल्का सा वो ब्लैक ग्रेइश ब्लैक सा ऑनश हो जाता है वो जलने की वजह से. इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट लाइक. हां जी मेहुल, अनम्यूट योर सेल्फ मेहुल. मैम कृष्ण के रो से एडमिट कर लो. किसको बेटे? मैम कृष्ण. हाँ कर लिया हुआ है. ओके मैम, चलो, इज इट ओके? ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम, इस बार आपको जो टेस्ट होगा जो अभी वेडनेसडे टेस्ट है बाय टुमारो, तो ओनली बिफोर मतलब 1 और 2 सॉल्ट्स तक आएगा. अदर क्लासेस नॉट हैड कवर्ड ना, we had covered the salts but not in all. I don't know. ठीक है, so test आप लोग properly revise कर लेना and do your assignment, ठीक है, and send it to me. हाँ वो ही करने लगे. Now pH के बारे में क्या? जरूर 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 जरूर. pH का मतलब क्या है? P small h capital, that is potency of hydrogen. Potency है वही है. Potency of hydrogen we can say pH is equal to negative logarithm of hydronium ions. हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन. हम दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज वी कैन से द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन. इट वाज गिवन बाय सोरेनसन इन 1909, ठीक है, 1909 में सोरेनसन हैड गिवन दिस टेबल. ठीक है, ही गेव द पीएच स्केल. In this pH scale, it is having a value of 0 to 14. 0 to 14 तक यहाँ पे values हैं pH scale. 7 is the center point. ठीक है, this is neutral. ये जो 7 है ये neutral है. It is of green in color. When you will move here, जब हम इस side move करते हैं, increases hydrogen ions, ठीक है, और we can say decreases hydroxide ions. दोनों तरह से बात हो सकती है. When we will move here, then increase hydroxide ion and decreases, ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो increases
हाइड्रोक्साइड आयन एंड डिक्रीजेस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्वेश्चन जिस तरह से मर्जी। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके पास, वैल्यूज और कलर्स आपको बताए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.5 तक जो होता है, ठीक है, ये इन बिटवीन आ जाता है। उसी तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 यहां तक, यानी कि उसको फोर पार्ट्स ने के हिसाब से कर दिया। दीज आर द वीक बेसिस, यहां से यहां तक वीक एसिड्स, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर वीक बेस दैट आर द स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे वो एक्सट्रीम पे जाते हैं, इट विल बिकम द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है जी, ये हो गया। कलर्स मैंने आपको बोले थे, हाउ यू कैन रिमेम्बर, अदरवाइज कलर्स आते नहीं है, बट इन एनी केस अगर कोई क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाए तो हमने ब्लैंक नहीं रहना। मैंने बोला था यहाँ 7 का न्यूट्रल कलर है, दैट इज ग्रीन। मैं सभी समझा रही हूँ, ग्रीन कलर है। मैं लर्न करवाने का तरीका बताती होती हूँ कि ग्रीन है, ठीक है, ये रेड है, वो कौन सा है, वॉयलेट। दो शेड तो आपके पास हो गए। अब आपने क्या करना है, ग्रीन वाला रेड में जब जाता है, सनसेट देखते हो है ना, या सनराइज, ठीक है, कौन से कलर आते हैं रेड में, येलो ऑरेंज कलर से होते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन से रेड तक जाते जाते कौन से शेड आने, येलो या रेड, येलो ऑरेंज रेड, यानी कि यहाँ पे ग्रीनिश येलो, फिर येलो, ठीक है, फिर ऑरेंजिश, ऑरेंज रेड वाला आ गया, फिर रेड, डार्क रेड। ठीक है, इस तरफ जब हमने कलर्स करने हैं तो ग्रीन है, वहां वॉयलेट तक जाना है तो कौन से होते हैं, ब्लू और पर्पल, ग्रीनिश ब्लूइश, ठीक है, फिर ब्लूइश कर दो पर्पल, ठीक है, डार्क पर्पल, वॉयलेट, डार्क, बस। ठीक है ना, एक्सट्रीम जो येलो का एक्सट्रीम कलर होता है वो रेड है, उस हिसाब से इनके कलर्स कर लो। बुक में आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इसका, पकोड़ा इसका क्वेश्चन की बना, हाँ, कैन यू गिव मी द बुक, हियर इज वन क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी, हैव यू सीन, क्वेश्चन इज देयर, यस, इन बेकिंग सोडा पेज नंबर 31 पे, बेकिंग सोडा इज द हेडिंग गिवन, उस हेडिंग के नीचे फर्स्ट लाइन है, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन ऑफ मेकिंग क्रिस्पी टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इन, मतलब इज बेकिंग सोडा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में, बहुत बार, ठीक है, दे आस्क यू वट यू विल एड इन द क्रिस्पी पकौड़ाज, ठीक है, दैट इज द बेकिंग